नाज़रीन आदाब, बदलता मंज़र के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू और कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौजूदात पर। जम्मू और कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत श्रीनगर में कैफ्टेरिया कायम। पुंछ में शाह सतार अदबी फेस्टिवल मुनक्द। ज़रई यूनिवर्सिटी कश्मीर में 550 हुनरमंदों का तरबियती प्रोग्राम। कुफवाड़ा में दीही नुमाइंदों के लिए रिहायशी इमारत ज़ेर तामीर। राजौरी में जल जीवन मिशन के तहत स्कीमों पर काम शुरू। शहर श्रीनगर मुल्क का पहला शहर बन गया है क्योंकि इसने एक ऐसे मुतासर कुन तारीख रकम की है जिसकी मिसाल पूरे मुल्क में अब तक नहीं देखने को मिल रही है। दरअसल जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत श्रीनगर में ज़िले इंतज़ामिया के दफ्तर के अहाते में मिलत हब के नाम से एक कैफ्टेरिया कायम किया गया है जिसका मकसद ख़वातीन को रोज़गार फराहम करना है। सारिफीन हुकाम और ख़वातीन एंटरप्रेनर्स का क्या कहना है और किस तरह ये कैफ्टेरिया कायम किया गया है, आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत श्रीनगर में जिली इंतजामिया के दफ्तर के अहाते में मिल्लत हब के नाम से एक कैफेटेरिया कायम किया गया जिसका मकसद ख्वातीन को रोजगार फराहम करना है। इस कैफेटेरिया को ख्वातीन हुनरमंदों ने जिला इंतजामिया श्रीनगर से ताउन किया है। ख्वातीन एंटरप्रेन्योर्स का कहना है कि 8 लड़कियां यहां रोजगार हासिल कर रही हैं। पहले तो हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, जिन्होंने हमें ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, यहाँ पर हमें कैंटीन प्रोवाइड किया। और हम एनएलएम डिपार्टमेंट से हैं और एनएलएम की वजह से ही मतलब हमने ट्रेनिंग की, तभी हमें ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। तो हमें डी साहब ने ये कैंटीन प्रोवाइड किया हम लड़कियों को, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम 8 लड़कियां इसके साथ हैं वाबस्ता जो अभी कैंटीन चला रही है। शुक्र है अल्लाह का, एक हफ्ते से देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छी सी मतलब ये भीड़ वगैरह है यहाँ पर, और अच्छे से मतलब लोगों का रेस्पॉन्स भी आ रहा है यहाँ पर ठीक ठाक। हम जो भी मिलट्स का है, ज़्यादा हमने मिलट्स इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पर, प्लस उसके साथ फास्ट फूड रखा है, तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पर लोग खाते हैं। एक तो मिलट्स भी खाते हैं और अदर देन फास्ट फूड भी रखा था। मिल्लत हब की तामीर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट R&B ने की है। कैफेटेरिया को नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबरान की ख्वातीन के हवाले किया गया है। सारफीन ने कैफेटेरिया में काम करने वाली ख्वातीन की तारीफ की। उनका कहना था कि मैयारी सर्विस लेकर बेहतरीन माहौल यहाँ है, ये एक बहुत अच्छी पहल है, इससे दूसरों को तरगीब मिलेगी। I feel great कि हमारे ऑफिस में इतनी अच्छी ये कैंटीन खुल गई है, दैट टू बाय वुमेन एम्पावरमेंट जो ज़रूरी है, बिकॉज यूजुअली कहीं पे ऐसा देखा नहीं जाता, स्पेशली इन सिटीज़ लाइक श्रीनगर कश्मीर जहाँ पे ऐसा नहीं देखा जाता। यूजुअली फीमेल्स को डोमिनेट किया जाता है यहाँ पे कि आप लोग घर पे रहिए, आप लोगों को यहाँ नहीं जाना है, काम नहीं करना है, बट दिस प्लेस इज़ ओन्ड बाय फीमेल स्टाफ ओनली। यहाँ पे बनाने वाले फीमेल्स हैं, सर्विंग वाले फीमेल्स हैं, एंड बहुत अच्छा लगता है कि हमारे डीसी ने ऐसा इनिशिएट किया है टू गेट देम हेयर, एंड हमारे ऑफिस के लिए इतना कुछ कर रहा है, एंड रेडी टू सर्व चीज़ें हैं यहाँ पे, एंड एज यू कैन सी द डेकोर ऑल्सो कि इंटीरियर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत सब पे बहुत मेहनत की है, एंड दैट टू बाय फीमेल स्टाफ। तो मेरे लिए वो बहुत प्राउड चीज़ है कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है। ये कैफेटेरिया 25 लाख रुपए की लागत से तामीर किया गया और ख्वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबरान के सुपुर्द कर दिया गया है ताकि वो अपना रोजगार हासिल कर सकें। श्रीनगर मुल्क का पहला शहर बन गया जहां जिला तरक्याती कमिश्नर के दफ्तर के अहाते में मरकजी स्कीम के तहत ये कैफेटेरिया कायम किया गया है। हुकाम का कहना है कि ये मुतासर कुन है कि ख्वातीन हर मैदान में आगे आ रही हैं। एक इंस्पायरिंग स्टोरी है फॉर एंटायर कंट्री कि किस तरह
औरतें लड़कियां सामने आ रही हैं इस फील्ड में, और बाकी जो मेन एम हमारा है जे के एस आर एल का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, इससे बाकी हमारी लड़कियां हैं वो इनक्रेज हो रही हैं कि वो इस इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें और मेल के शाना बशाना काम करें और एक एग्जांपल सेट करें कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस किसको कहते हैं। इस कैफेटेरिया की खास बात ये है कि यहाँ सारफीन को घरेलू पकवानों के जायके से लुत्फ अंदोज होने का मौका मिलेगा। यहाँ काम करने वाली ख्वातीन घरेलू माहौल में पकवान तैयार करती हैं। जम्मू और कश्मीर में कबायली तहजीब तमदन और सकाफत को फरोग देने के साथ साथ दूर दराज कबायली इलाकों को सियाहती नक्शे पर लाने के लिए जम्मू कश्मीर की इंतजामिया काफी कोशा है। इस अजम में हाल ही में पुंछ में शाह सतार अदबी फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। इस फेस्टिवल में मकामी लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फेस्टिवल का इफ्तिताह किसने किया और इस पर मकामी लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में कबायली लोगों की सकाफत और सियाहत को फरोग देने के मकसद के तहत शाह सतार अदबी फेस्टिवल मुनाकिद हुआ। जिला तरक्याती कमिश्नर ने इस फेस्टिवल में अपनी शिरकत को यकीनी बनाते हुए बाज़ाबता तौर पर इफ्तिताह किया। जी, आज हमने शाह सितार लिटरेरी फेस्टिवल के नाम से एक स्पेशल प्रोग्राम यहाँ डना शाह सितार पे मुनक्कद किया। ये स्पॉट दोनों मेंढर और पुंछ सब डिविजन्स के जोड़ पे है और एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ बाबा गुलाम शाह बादशाह की बैठक भी रही है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट इलाके आसपास जुड़े हैं। हमारी कोशिश है कि इस लिटरेरी प्रोग्राम के ज़रिए हम तमाम जो भी यहाँ इलम और अबदी तहरीकें हैं जिनमें गोजरी पहाड़ी उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम शोरा हजरात जो पूरे पुंछ से यहाँ बुलाए गए हैं, वो सब आज इन पहाड़ियों में अपने लफ्ज़ों से कुछ रंग भरेंगे और इन्हीं प्रोग्रामों के सिलसिले चलते रहेंगे आगे और इलम अदब और सकाफत को प्रमोशन मिलती रहेगी। इस फेस्टिवल का मकसद मकामी सकाफत और गुजर पहाड़ी और उर्दू को फरोग देने के लिए शाह सितार पहाड़ी के दिलफरेब नज़ारों को सियाहती नक्शे पर लाना था। इस फेस्टिवल का एहतमाम जम्मू कश्मीर आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने किया। हमारे यहाँ आज पहली बार ये प्रोग्राम हुआ है काफी अरसे के बाद, यानी कि आज से पहले हमने कभी देखा ही नहीं कि ऐसा कोई प्रोग्राम होगा, हमने सोचा भी नहीं था, बट ये पहली बार ऐसा प्रोग्राम हुआ है जिसमें इसी साहब आए हैं, हमारे यहाँ के डीडीसी मेंबर और इधर एक्स एमएलए अपना जावेद राना साहब भी आए हैं और शाहनवाज चौधरी साहब सरपंच वगैरह सभी लोग आए हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ एक ये इधर ज़ियारत है पीर बाबा शाह सितार की और इससे आधा किलोमीटर दूर एक पत्थर मस्जिद है जो बाबा गुलाम शाह बादशाह शाहदरा श्री वली दरगाह है, उनकी ज़ियारत भी है। यहाँ पर बहुत अच्छी ज़ियारतें भी और अच्छा टूरिज़म एरिया भी है। हमारी यही डिमांड रहेगी कि इस जगह को जो है टूरिज्म में लाया जाए ताकि यहाँ की थोड़ी बहुत ही डेवलपमेंट हो जाए। इस अदबी फेस्टिवल के दौरान कई अदबी शख्सियात की जिंदगी पर रोशनी डाली गई और तरह तरह के प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। फेस्टिवल में मकामी लोगों की बड़ी तादाद के अलावा तलबा व तालिबात ने भी शिरकत की। तो हमारा जो मेन था कि हम अपने इस एरिया को प्रमोट करें, हमारा एरिया भी प्रमोट है, साथ साथ हमारी जो लोकल लैंग्वेजेज हैं, जो यहाँ का कल्चर है गोजरी पहाड़ी इवन के उर्दू जो हमारी यहाँ पर मेन जो हैं, इनको प्रमोट करने के लिए ये हम ऑर्गेनाइज करें तो कि हमारा जो लोकल कल्चर है उसको बूस्ट किया जाए, तो इससे साथ साथ हमारा टूरिज्म भी बढ़ेगा, हमारा कल्चर भी बढ़ेगा। तो हम जो एक्टिविटीज़ अलग अलग हो रही हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की या डिफरेंट जो कल्चर है हमारे लोगों को, उनको बूस्ट किया। मकामी लोगों ने फेस्टिवल मुनाकिद करने के इकदाम को सराहा। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्रामों से जिले में सियाहती शोबे और मकामी कल्चर को फरोग मिलेगा। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर ने 550 हुनरमंदी के तरबियती प्रोग्रामों का आगाज किया। इस ज़िम्न में मरकजी वज़रात बराए माइक्रो व स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के ज़ेर एहतमाम शालीमार कैंपस में इफ्तिताही तकरीब का एहतमाम किया गया। हुकाम और तलबा का इस प्रोग्राम पर क्या कहना है, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में नए कारोबारी इदारों और कल्चर को फरोग देने के लिए शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर ने 550 हुनरमंदी के तरबियती प्रोग्रामों का आगाज किया।
मरकजी वजारत बराए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स के जेर एहतमाम शालीमार कैंपस में इफ्तिताही तकरीब का एहतमाम किया गया। तलबा ने इस प्रोग्राम को काबिले सराहना करार दिया। यहाँ पे जो आज लॉन्चिंग सेरेमनी हो रही है 550 डिफरेंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की, सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इससे ये होगा कि जो हमारी सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल हैं, लाइक अंडर प्रिविलेज्ड हैं या एस सी एस टीज हैं, वुमेन के लिए भी डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, उससे ये कर वो होगा कि यहाँ आज जो कैंपस में उसकी इनॉग्रल सेरेमनी हो रही है, उससे उनका जो है उनको थोड़ा बूस्ट करने के लिए उनको डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दी जाएंगी ताकि वो अपना कुछ वेंचर स्टार्ट करें, स्टार्टअप स्टार्ट करें। सो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक वेंचर। इस इकदाम का बुनियादी मकसद साल 2023-24 के लिए एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत एक कारोबारी माहौलियाती निज़ाम और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हुनरमंद अफरादी कुव्वत पैदा करना है जो ज़रई इनकलाब बरपा करेंगे। मुल्क की सभी यूनिवर्सिटीज के मुकाबले में मरकजी मावनत से इस तरह के प्रोग्राम सबसे ज्यादा स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी ही मुनाकिद करती है। आज मुझे इन्होंने अपॉर्चुनिटी दी गई कि जो मेरा इनोवेशन था उसको एक ब्रांड नेम से मैंने आज इनॉग्रेट किया, लॉन्च किया इस प्रोडक्ट को। तो मेरे लिए ये बहुत ही फ़ख्र की बात है कि मेरी एक छोटी सी इनोवेशन आज इस स्टेज तक पहुंची है। हुकाम ने कहा कि मुस्तकबिल में भी इस तरह के प्रोग्राम जारी रखे जाएंगे और ज़रई यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर इंतजामिया के इश्तराक के साथ अवाम खासकर नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए वादाबंद है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में 555 प्रोग्राम्स को मरकजी वजारत बराए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स मंजूरी दी है। इससे कबल 67 प्रोग्रामों को मंजूरी दी गई थी जिसकी कामयाबी को देखकर इतने सारे प्रोग्राम मंजूर किए गए। हमने अपनी यूनिवर्सिटी में एक इकोसिस्टम क्रिएट किया हुआ है, उसको हम कहते हैं कि इनोवेशन एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम। उस इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम में आज हमारी यूनिवर्सिटी में करीब 20 स्टार्टअप्स हैं बच्चों के और फैकल्टी के, और जिनमें से 10 स्टार्टअप रजिस्टर्ड एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं। तो आने वाले समय में ये कोशिश होगी हमारी कि हमने अपने करिकुलम को इंडस्ट्री ओरिएंटेड हमने बनाना है और बना रहे हैं, और दूसरा अपने बच्चों को हमने एंटरप्रेन्योरल बनाना है और हमने उनको इंडस्ट्री रेडी बनाना है, और तीसरा जो हमारी फार्मिंग कम्युनिटी है और हमारी यूनिवर्सिटी हमारी जम्मू कश्मीर की जो मईशत का ज़्यादा जो दारमदार है वो है एग्रीकल्चर पर। हमने अपने एग्रीकल्चर फार्मर्स को और एग्री बिजनेस में काम करने वाले लोगों को उनको उनका स्किल इस हद तक बढ़ाना है कि हमने इसको एक सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को आगे बढ़ा के सस्टेनेबली कमर्शियल एग्रीकल्चर की तरफ ले जाना है। इस इकदाम का मकसद माशरे के मुख्तलिफ तबकात को बुनियादी और जदीद तरबियत फराहम करना है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से किए गए ऐलान के तहत शुमाली सरहदी जिला कुपवाड़ा में देही नुमाइंदों की सहूलियत के लिए रिहायशी इमारत तामीर की जा रही है। इस इमारत पर शदमत से तामीरी काम जारी है। देही नुमाइंदों के लिए यह सहूलियत जामा तरक्याती मनसूबे के तहत फराहम की जा रही है। मकसद क्या है, आइए कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट में मजीद जानने की। सरहदी जिला कफवारा में देही नुमाइंदों की सहूलत के लिए कसीर मंजिला रिहायशी इमारत तामीर की जा रही है। इसका बुनियादी मकसद जामे तरक्की को यकीनी बनाना है ताकि अवामी नुमाइंदे बेहतर तरीके से अपनी अवामी खिदमात अंजाम दे सकें। मकामी नुमाइंदों ने हुकूमती इकदाम की सराहना की। गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेशन ने अकोमोडेशन की बिल्डिंगें बनाए, हम उसके लिए गवर्नमेंट को मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि जो आने वाले हैं, कल में नहीं होगा दूसरा होगा, उसको तो सहूलत मिलेगी, अगर मुझे नहीं मिली तो दूसरे को तो मिलेगी। ये तो हम गवर्नमेंट को खासकर एलजी इंतजामिया को और अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देते हैं। इन्होंने उस पर काफ़ी शद्दोमद से काम जारी है, वो यहीं है गिरहटी में बन रहा है, और वो जो ठेकेदार है, ठेकेदार का हम बहुत शुक्रगुजार है, क्योंकि वो रात दिन में जैसे डबल शिफ्ट में वो काम कर रहा है, उसमें हम बहुत मुतमिन हैं। देही नुमाइंदों ने कहा कि इस तरह की सहूलत से वो मजीद बेहतर तरीके से अपनी खिदमात अंजाम दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि रिहायशी सहूलत मयसर होने से लोगों की रसाई उन तक आसान हो जाएगी। उनका कहना था कि ये एक अच्छी पहल है।
मैं एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट को मुबारकबाद दे रही हूँ, क्योंकि पहली बार हम कुछ ऐसा देख रहे हैं जो हमारे लिए बेनिफिट है, क्योंकि लोगों से मिलना जुलना हमारा दिन ब दिन रहता है और लोग हमारे पास आते हैं वो भी सफ़र नहीं करेंगे और हमें भी एक आसाइश मिलेगी हेड क्वार्टर पर रहना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हेड क्वार्टर पर रहना और ताकि लोगों को सहूलत और दस्तियाब और हम उनसे मिल पाएंगे वो हमसे मिल पाएंगे, ये इसके लिए बहुत अच्छा कदम है गवर्नमेंट का और हम एक और बार मैं अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करती हूँ गवर्नमेंट का। जिला कुपवाड़ा में डीडीसी और बीडीसी मेंबरान की रिहायशी सहूलत के हवाले से काफी मसाइल का सामना करना पड़ता था। दीही नुमाइंदों ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि प्रोजेक्ट पर तेजी से काम जारी है। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा इशू था जितने भी बीडीसीज हैं डीडीसीज हैं उनके अकोमोडेशन को लेके, और इसमें जब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया और जो है सेपरेट जो अकोमोडेशंस है डीडीसीज इलेक्टेड डीडीसीज के लिए और बीडीसीज के लिए जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है अनाउंस की थी, और मुझे बहुत खुशी है कि उसमें काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है और जो हमारी भी यहाँ गिरहची में भी वो डीडीसीज की बिल्डिंग बन रही है वो भी ऑलमोस्ट इख्तिताम पजीर पे है और उसमें कुछ जो है फिनिशिंग काम बाकी है। मुझे लगता है कि एक महीने के अंदर अंदर जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और इंशाल्लाह जो है डीडीसीज जो है वो उसमें शिफ्ट कर पाएंगे। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने ऐलान किया था कि जम्मू कश्मीर के हर एक जिले में दीही नुमाइंदों के लिए अलहिदा से रिहायशी सहूलियात फराहम की जाएंगी, जिसमें अमल दरामद का सिलसिला शुरू हो चुका है और कपवारा में ये तामीरी काम इसकी अक्कास है। जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन के तहत 100% हदफ को हासिल करने के लिए कई वाटर सप्लाई स्कीमों पर तामीरी काम हाथ में लिया गया है। इस सिलसिले में सुबह जम्मू के पहाड़ी जिला राजौरी में 183 वाटर सप्लाई स्कीमों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 145 स्कीमों पर तामीराती काम शुरू किया गया है। राजौरी के दूर दराज इलाकों में नल से पानी पहुंचाने के इकदाम पर मकामी लोगों का क्या कहना है, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत 2024 के आखिर तक हर घर में पानी का कनेक्शन चलाने के अपने वादे को पूरा करने में मसरूफ अमल है। जल जीवन मिशन के अब तक के 55% हदफ को हासिल करने के साथ हुकूमत अगले 15 महीनों में 7 करोड़ घरानों को कवर करने के लिए जंगी बुनियादों पर काम कर रही है। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी में भी कई वाटर सप्लाई स्कीमों पर तामीरी काम शदोमद से शुरू किया गया है। जल जीवन मिशन के अंदर हमारी पंचायत में जो है वो 8.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसमें हमारा ये फिल्ट्रेशन प्लांट, हमारे बैकसाइड देखेंगे आप, ये फिल्ट्रेशन प्लांट बन रहा है जो एक 3 लेयर में फिल्टर होकर पानी जो है ऊपर पहाड़ों पर दूर जहाँ हमारी माएँ बहनें जो 2-2 किलोमीटर दूर से पानी लाती थी उनके लिए सहूलियात का सबसे बड़ा ये काम हो रहा है। और पाइपलाइन बिछाने का काम जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ फिल्ट्रेशन प्लांट बनना बाकी है जो आप देख रहे हैं 1-1.5 महीने से बन रहा है, कुछ ही काम बच गया है इसका। तो ये बहुत स्पीड से काम चल रहा है और बहुत ही उम्दा काम हो रहा है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जिले के कई दूर दराज इलाकों में वाटर सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए तामीरी काम को हाथ में लिया गया है। इस जिम्मे में पानी जखीरा करने की टंकियां तामीर की जा रही हैं, ताकि यहां रिहायश पजीर लोगों को पानी की अदम दस्तियाबी के सबब दरपेश मुश्किलात का इजाला हो सके। मकामी लोगों ने बताया कि उन्हें असर हाजिर में भी पानी की अदम दस्तियाबी का सामना है, ताहम उम्मीद है कि इस तरह के तामीरी प्रोजेक्टों से उनकी मुश्किलात व मसाइल का हल होगा। हमारे गांव में पानी की बहुत ही प्रॉब्लम थी, ये दूर दूर से 2-2, 3-3 किलोमीटर माल मवेशियों के लिए पानी औरतें भी आती थी दिलाने के लिए बहुत मुश्किल थी। हम धन्यवाद करेंगे हमारे जो सरपंच कुलबीर सिंह के, बहुत उनकी निगरानी में भी अच्छा काम हो रहा है, जो ये फिल्टर प्लांट बन रहा है। आगे पानी यहाँ मिलता ही नहीं था, कहीं पाइपें डैमेज हो जाती थी, कहीं पीएचई वाले पानी कहीं मोटर सट जाती थी, बहुत प्रॉब्लम इधर आती थी। हम गवर्नमेंट का भी धन्यवाद करेंगे जो अच्छी तरह से काम काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है, अच्छा काम हो रहा है।
हुकाम का कहना है कि राजौरी डिवीजन में 183 वाटर सप्लाई स्कीमों की मंसूबाबंदी की गई है। उनका कहना था कि इन स्कीमों में से 145 स्कीमों पर तामीरी काम शुरू किया गया है, जबकि आने वाले वक्त में बाकी मानदा स्कीमों पर तामीरी काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजौरी डिवीजन में ये काम करोड़ों रुपए की लागत से अंजाम दिए जा रहे हैं। इसमें ये है कि हमारे 130 बोरवेल्स हैं, 43 हमारे रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, 10 डगवेल्स हैं, और इन सभी में जो है बोरवेल 130 में से 109 हमारे ड्रिल हो गए हैं, बाकियों पे काम चल रहा है। रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन प्लांट हमारे 43 हैं, जो उनमें से 18 पे काम स्टार्ट हो गया, बाकियों पे भी बहुत जल्दी काम स्टार्ट हो जाएगा। मरकजी हुकूमत का अहम प्रोग्राम जल जीवन मिशन अगस्त 2019 से रियासतों की शराकत दार में ज़ेर नफाज है। इसका मकसद 2024 तक मुल्क के दीही इलाकों में हर घर में नल के पानी का कनेक्शन फराहम करना है। इस मिशन ने दीही घरों में पीने के साफ पानी की गुंजाइश के एतबार से अपनी हुसूलियाबी के जरिए पूरे मुल्क को एक तस्वूर पेश किया है। इससे उनकी जिंदगियां बेहतर हो रही हैं। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पज़ीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, आप अपनी राय हमें बदलता मंजर कश्मीर @gmail.com पर भेज सकते हैं। आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है, इसका रहेगा हमें इंतज़ार। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।